क्या कहेंगे कि जिस तरह से इसराइल में युद्ध चल रहा है, अपने पर से भी वहां गए हैं, सभी काम हो गए हैं, किस तरह से समय गए हैं, कितनी संख्या है और क्या स्थिति है? जनपद भदोही से 7 श्रमिक गए हैं जो निर्माण क्षेत्रों से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत शटरिंग का काम करना, राजमिस्त्री का कार्य करना, टाइल्स का काम करने वाले श्रमिक हैं ये। अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार ऐसी कोई कठिनाई या दिक्कत उनके सामने नहीं आई है। जहाँ तक सवाल युद्ध है और युद्ध के माहौल का है, इस पर पर्याप्त नज़र भारत सरकार रख रही है और अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित जो भी आवश्यक जरूरतें होंगी उसको भारत सरकार के स्तर से किया जाएगा। उनको तरफ से कोई जानकारी आपके पास आई है, कोई दिक्कत है, उनके परिजनों ने कुछ बताया? नहीं, किसी भी श्रमिक अथवा श्रमिक परिजन की तरफ से कोई भी ऐसी समस्याजनक बात अभी तक जानकारी में नहीं लाई गई। सारी समस्या अगर होती तो जरूर जानकारी में आती, लेकिन वो अगर जानकारी में नहीं लाई जा रही तो ऐसा ही मानना है कि मतलब वहाँ पे सब कुछ ठीक है उनके साथ। कुछ लोगों का ऑडियो वीडियो भी हम लोगों ने देखा था जिसमें वो बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ सब ठीक। क्या नाम है आपका? लालधर विश्वकर्मा, बैरा खास। क्या कहेंगे कि वहाँ आपके लोग जो है इसराइल गए हैं, वहाँ युद्ध चल रहा है? वो हमारे भाई साहब राम सूरत विश्वकर्मा, आज 17-18 दिन हो गया गए हैं वो। एक हमारे बड़े पिताजी का 3 महीना हो गया लड़के गए हैं, अनिल विश्वकर्मा। और वहाँ तो हम लोग पूछ रहे हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। कहते हैं भैया हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, और हम कहाँ, हम लोग तो सुन सुन करके इधर घबराते हैं, कैसा मिसाइल छूट रहा है। कहाँ भैया ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एकदम सुरक्षित हैं, हम लोग काम पर लग गए हैं। कल बात हुआ है, कहें हम लोग काम पर लग चुके हैं, काम कर रहे हैं, और तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है वो लोग को। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए किस तरह योजना में? अभी तो हम नहीं कुछ कहे, अब हम सोचे नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा दिक्कत हो तो हम बुलवाएं। कहें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब तो क्या बता रहे हैं वो लोग? बता रहे हैं भैया हम लोग एकदम सुरक्षित हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत ज़्यादा जितना है ना उतना ज़्यादा सुनाई दे रहा है, लेकिन हम लोग तो एकदम सुरक्षित। क्या काम कर रहे हैं वो कारपेंटर पर? यहाँ पर जा रहे हैं लकड़ी काम के लिए। प्रधानमंत्री जी जो योजना निकाले हैं बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये लेके गए हैं जैसा, यहाँ कोई सरकार और वहाँ की सरकार चाहे तो भाई सुरक्षित उत्तर प्रदेश के जो लड़के गए हैं यहाँ सही सलामत रहें, काम धंधा भाई दे, वहाँ काम करें। और वहाँ सुनाई दे रहा है भाई भाई साहब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी दूर हो रहा है, हम लोग बड़े सुरक्षित में हैं, और जो सेंसर लगी है अगर कोई चीज़ आता है तो ऊपर से ही एकदम ब्लास्ट हो जाता है, धुआं धुआं हो जा रहा है, और हम लोग को कोनो छवि नहीं है, बहुत दूर ही गिर रहा है। और भाई अब यहाँ से तो जो ले गए हैं प्रधानमंत्री योजना से भाई गए हैं और सुरक्षित रखें, उनसे अपील है कि भाई बरकरार रहें। नाम है आपका? रामलाल विश्वकर्मा। रामलाल जी ये बताइए आप घर में कितने लड़के इजराइल गए हैं और क्या काम करने के लिए गए? हमारे एक बड़े पिताजी के लड़के गए हैं अनिल विश्वकर्मा, और एक मेरा भाई छोटा राम सूरत विश्वकर्मा इजराइल गए हैं कारपेंटर के काम कर रहे हैं। वहाँ पे ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी है तो क्या बता रहे हैं वो लोग? बता रहे हैं ना भैया कोई डर भय कोई आशंका नहीं है, ऊपर से मिसाइल जाती है वहीं ध्वस्त हो जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चिंता तो रहती है, मेरा भाई गया इतना दूर गया है तो चिंता तो रहती है, लेकिन बता रहे हैं वहाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों को वीडियो कॉल करके वहाँ से बातचीत होती रहती है डेली। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार मौर्य। चंदन जी क्या कहेंगे आप जो दोस्त लोग गए हैं, आपके साथ में काम करने वाले लोग गए हैं, क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे और क्या कहेंगे? सर ये लोग काम कारपेंटर का काम करने के लिए वहाँ पे गए हैं, और एक इनके भाई हैं सुनील के भाई हैं, इनसे जब बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि कोई यहाँ चिंता नहीं है, हम लोग आराम से हैं, आराम से काम हो रहा है, कोई घबराने की बात यहाँ पे नहीं है। कुल उनके कमरे में कुल 6 लोग रह रहे हैं इस समय, और वैसे तो बहुत से लोग गए हैं, पूरे जिला से 7-8 लोग गए हैं। क्या कोई डर है मोदी जी की, क्या कहेंगे? कोई डर नहीं है, बातचीत होती है, अपने एकदम रिलैक्स रह रहे हैं,
जब कोई घबराहट की बात होती तो बताते भैया ये सब डर लगता है, लेकिन कहते हैं कोई गम नहीं है, और वैसे भी जब मोदी हैं तो क्या गम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।